हेलो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर थर्ड लेवल द थर्ड लेवल इज अ स्टोरी दैट वीव्स टुगेदर अ साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ द नरेटर इनटू पास्ट प्रेजेंट एंड मूव्स टुवर्ड्स फ्यूचर तो थर्ड लेवल एक ऐसी कहानी बुनी हुई है जो नरेटर की मानसिक यात्रा को दिखाता है कि कैसे मेंटली अपने पास में भी चला जाता है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी सोचता है कि क्या करना है तो उसका मेंटल मोमेंट है यहाँ पर इमेजिनेशन है और आप इमेजिनेशन करके पास में या प्रेजेंट में टाइम और स्पेस कहीं भी चेंज कर सकते हो आप अपने आप को शिफ्ट भी कर सकते हो चार्ली थर्टी वन ईयर्स ओल्ड एंड अमेरिकन नरेट्स हिज अनयूजल एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग बीन टू दर्ड लेवल तो चार्ली एक अजीब सा अपना अनुभव हमें बताता है अमेरिका को जो 31 का जो थर्टी वन ईयर्स का ओल्ड चार्ली है कि कैसे वो थर्ड लेवल पर पहुंच गया ही डिस्कवर्स दे ब्रासपिटन्स पीकदान ब्रास के फ्लिकरिंग गैस लाइट्स एवरी वन ड्रेस लाइक एटीन नाइनटीज़ विद नाइन्टीज़ विद ओल्ड फैशन बियर्ड्स उनकी दाढ़ी पुराने तरीके की थी कपड़े अ, पुराने पहने पुराने मीन स्टाइल पुराना था साइड साइड बर्न्स जो मूछों के साइड पर जेंट्स की होती हैं फैंसी मुस्टेश मूछे बड़ी फैंसी सी थी इंजन विद फनल शेप्ड स्टैक फनल शेप इंजन फनल शेप थे जिसमें कोयला वगैरह डलता था और आजकल जब जहाँ पर वो रह रहा है जिस टाइम पीरियड में उसमें इलेक्ट्रिक इंजन है स्टैक न्यूज़पेपर्स न्यूज़पेपर का ढेर लगा हुआ था द वर्ड न्यूज़पेपर द वर्ड का फ्यू टिकट विंडोज़ एट इन इन थर्ड लेवल और टिकट की जो विंडोज़ थी वो भी बहुत कम थी तो ये सब चीज़ें उसको बड़ी अजीब लगती हैं चार्ली गोज टू गेट द टिकट फॉर गेल्सबर्ग वो गेल्सबर्ग के लिए टिकट लेने के लिए जाता है गेल्सबर्ग इलियनस में जाने के लिए वंडरफुल टाउन है जो बिग हाउसेज हैं वहाँ पर हीज लॉन्स हैं बड़े बड़े लॉन्स हैं प्लेंटी ऑफ ट्रीज़ हैं बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं बहुत सारे हैं पीपल विद लॉट्स ऑफ लेजर टाइम लोगों के पास पढ़ाई आराम का समय है एंड सरप्राइजेस वन द क्लर्क सीज दैट इट इज़ नॉट करेंसी एंड ही विल बी पुट बिहाइंड द बार वो हैरान हो जाता है जब क्लर्क कहता है कि ये करेंसी यहाँ नहीं चलेगी और उस क्लर्क को ये लगता है कि चार्ली उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है और वो कहता है कि करेंसी की चीटिंग में आपको जेल में डाला जा सकता है जब वो ये बातें आके अपनी वाइफ को बताता है उसकी वाइफ का नाम है लुइजा वाइफ वर टेक्स हिम टू द साइकेट्रिस्ट फ्रेंड और साइकेट्रिस्ट फ्रेंड के पास ले जाती है साइकेट्रिस्ट फ्रेंड सैम जो होता है ही रिफ्यूज टू बिलीव सेज इट इज़ वीकिंग विश ड्रीम फुलफिलमेंट एज ही कुड नॉट फेस द मॉडर्न वर्ल्ड तो वो मानता नहीं और वो कहता है कि ये जागते हुए सपने देखने के समान है क्योंकि जब कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती तो उनको पूरा करने के लिए आदमी उस वर्ड से भागना चाहता है द वर्ड विच इज़ फुल ऑफ फियर इनसिक्योरिटी वॉर वरी स्टैम्प कलेक्शन इज अ रिफ्यूज फ्रॉम रियलिटी ये वास्तविकता से बाहर निकलने का एक तरीका है तो सेकेट्रेस सैम नहीं मानते चार्ली डेस्परेट टू गो टू गेल्सबर्ग चार्ली अब गेल्सबर्ग जाना ही चाहता है एंड सो एक्सचेंजेस न्यू करेंसी टू ओल्ड करेंसी बट कुड नेवर फाइंड द थर्ड लेवल लेकिन उसको थर्ड लेवल दोबारा कभी नहीं मिलता वहाँ पर ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पर जाकर सैम्स डिस अपीयरेंस है समथिंग टू डू विद गेल्सबर्ग एज ही वॉज फॉन्ड ऑफ द प्लेस अचानक से उसे खबर मिलती है कि सैम गायब हो जाता है और सैम का गायब होना गेल्सबर्ग की बातें सुन सुनकर चार्ली से उसका उस प्लेस को पसंद करना था कि वो उस प्लेस को पसंद करने लग गया था और ये भी चार्ली की ही इमेजिनेशन थी कि सैम गायब हो गया वन डे वाइल गोइंग थ्रू द स्टैम्प कलेक्शन फ्लेटली हमने जो डिस्कस किया था तो वो अपनी देख रहा था ही फाइंड्स एन एनवेलप उसको एक इनवेलप मिलता है कंटेनिंग अ लेटर ऑफ जुलाई एटीन एटीन फोर जुलाई अठारह अठारह सौ चौरानवे का लिखा हुआ लेटर जो सैम का लिखा हुआ वो इज लिविंग एट गेल्सबर्ग जिसमें बताया था कि वो गेल्सबर्ग में रहता है एजर्शन द थर्ड लेवल वो बताता है कि थर्ड लेवल है चार्ली फाइंड दैट सैम हैड पॉट ओल्ड करेंसी वर्थ एट हंड्रेड डॉलर्स और चार्ली देखता है कि उसने भी अपने एट हंड्रेड डॉलर्स कन्वर्ट करा लिया है सैम वॉज चाइल्ड इज और ये सैम का साइकेट्रेस था तो इस तरह से चैप्टर को समाप्त किया हमने तो रीडिंग टेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कहीं भी नहीं हमने पढ़ा जो टेक्स्ट में है वो ये है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन इज़ ग्रोइंग लाइक अ ट्री क्योंकि उसके जो रास्ते थे एग्जिट्स जो थे बाहर निकलने के रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा थे जैसे शाखाएँ होती हैं पेड़ की अनगिनत होती हैं इस तरह से ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से निकलने के रास्ते बहुत थे और हर बार चार्ली जब भी निकलता था अलग रास्ते से बाहर निकलता था लेकिन बार बार आने के बाद भी उसको थर्ड लेवल नहीं मिला ये सिर्फ चार्ली की इमेजिनेशन थी वो अपने टेंशन से वॉर वरीज परेशानियों से बचना चाहता था और ये सिर्फ उसकी मानसिक एक सोच थी कि ऐसा ऐसा थर्ड लेवल है एक्चुअल में देर वॉज़ ओनली टू लेवल्स Dear students, read the chapter. In the next lecture, we will discuss the question answers. Thank you.